अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गार्लिक चटनी वाले दही बड़े। ये चटनी वाले दही बड़े बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिए हैं 2 कप बेसन लिया है हमने, और यहाँ पे हम गंदम का आटा ले रहे हैं, वीट फ्लोर 3 टेबल स्पून। और उसके बाद जी हम लेंगे होम मेड चाट मसाला 1 टेबल स्पून। धनिया पाउडर लिया है हमने 1 टेबल स्पून। ज़ीरा लिया है हमने 1/2 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। मीठी सोडा 1 पिंच ऑफ सोडा लिए हमने। साल्ट टू टेस्ट। और जी यहाँ पे हमने 1/2 टेबल स्पून चीनी ली है, शुगर 4 टेबल स्पून, चॉप्ड अनियन लिए हैं, प्याज, और ये जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये दही बड़े, इस पर हम प्याज भी ऐड करेंगे। और इसकी जो चटनी बनाएंगे हम, स्पेशल चटनी है वो गार्लिक वाली चटनी, उसके साथ ये दही बड़े बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। सिंपल दही के भी हम दही बड़े बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि इसकी जो चटनी बनती है वो बहुत टेस्टी होती है, और इससे एक फ़्लेवर आ जाता है, गार्लिक का फ्लेवर आ जाता है। और बाकी जो हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे इसकी चटनी में, उसका भी एक अलग से फ़्लेवर आता है। तो यहाँ पर हम फ्राई करेंगे, और बड़े जो हैं हम हाथ से डालेंगे, चम्मच यूज़ नहीं करेंगे। हाथ से जो है इसका शेप बहुत अच्छा आता है। और इफ्तार के टाइम तो हर घर में दही बड़े बनते हैं, लेकिन ये वाली रेसिपी जो है ये थोड़ी डिफरेंट है, चटनी वाले दही बड़े हैं ये। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, घर में भी सबको अच्छे लगेंगे, क्योंकि वही सेम चीज़ बना के जो है बंदा बोर हो जाता है। तो यहाँ पे मारिया जो है बड़े फ्राई कर रही थी, बड़े जो है मारिया बहुत ही अच्छे बनाती हैं, तो मैं उसी से बनवाती हूँ और चटनी में बनाती हूँ। इन बड़ों को हम पानी में 1 मिनट भिगो के रखेंगे, और उसके बाद इसका पानी खुश करके हम ट्रे में रखते जाएंगे। बाकी के जो बड़े हैं वो भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। और इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पे मैं अलग से कंटेंट दूँ, अलग से रेसिपीज़ दूँ शॉर्ट वीडियो में, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो करें। और इसी तरीके से सारे जो बड़े हैं हम बना के रखते जाएंगे। और यहाँ पे अब हम चटनी बनाएंगे। नमक लिया है हमने अकॉर्डिंग टू टेस्ट, धनिया लिए हमने, गार्लिक लिए हैं 3 से 4 जड़े गार्लिक के, ग्रीन चिलीज लिए हमने, और ब्रेड के 2 स्लाइस लिए हैं, 2 कप दही लिए हैं हमने। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे, ब्रेड से जो है एक थिक सा पेस्ट या थिक सी चटनी बन जाती है, एक थिकनेस आ जाती है इसमें चटनी में, इस वजह से हम इसमें ब्रेड ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा आप इसमें बॉयल पोटैटो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर ब्रेड को आप स्किप करना चाहें तो। गार्लिक ऐड की सबसे पहले हमने, ग्रीन चिली, हरा धनिया, नमक, ब्रेड के स्लाइस जो है वो तोड़ के हम इसमें डालेंगे, इससे एक थिकनेस आ जाएगी दही में। इसको करेंगे हम ग्राइंड। तो जी चटनी हमारी तैयार है, देखिए कितनी अच्छी बनी है ये चटनी, और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, ग्रीन चिली का और गार्लिक का फ्लेवर आता है। देखिए कितनी मज़े से ये दही की चटनी बनी है, और अब हम इसको बड़ों में यूज़ करेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी टेस्टी लग रही है। इसी तरीके से हम बॉल में सारे दही बड़े रखेंगे, उसके ऊपर डालेंगे ये चटनी, और
यहाँ पे अब हम इसमें डालेंगे होममेड चाट मसाला। उसकी जो है रेसिपी भी मैंने फर्स्ट ब्लॉग में दी थी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करें मीठी चटनी, ये बहुत ही टेस्टी चटनी है, और इसकी जो रेसिपी भी मैंने दी थी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पापड़ी। तो जी देखिए बहुत ही टेस्टी बने हैं ये दही बड़े, गार्लिक वाले दही बड़े, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। और उसके अलावा मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।